पैसे निकाल। पैसे तो तुम ले लो, ये तो सिर्फ वार्म अप था बेबी। इस 100 से मैं तुम्हें डबल ट्रिपल 4 गुना भी दे सकता हूँ, और वो भी चुटकियों में। व्हाटएवर, चल बता चैलेंज क्या है और कितने पैसे देगा। पूरे 1000 रुपए। ओके। लेकिन अगर तुम ये चैलेंज फॉर एग्जाम्पल हार गई तो ये 100 रुपए मेरे वापस। ओए, मैं अलीशा राय हूँ और चैलेंजेस जीतने के लिए मैं टीचर की बैग पे उसी की लिपस्टिक से आइटम लिख के आई हूँ और प्रिंसिपल के नाक के नीचे से उनका टिफिन भी चुरा चुकी हूँ। सो चैलेंजेस हारना नॉट माय स्टाइल। कॉन्फिडेंस डॉलर लाइक्स इट। तुम्हारा चैलेंज, एक कार्ड उठाओ। हाँ, देखना मत, सीधा मुझे दे दो। सिंपल है, कॉलेज के मेंस लू में जाओ और एक सेल्फी लेकर आओ। सेल्फी ले आओ और पैसे ले जाओ। यार, अलीशा के रहते तो ये जगह भी मर्दों के लिए सेफ नहीं है। एनीवेज, तो एक तरफ बिंदास, जानबाज, डेयरिंगबाज अलीशा, वहां दूसरी तरफ वीर भद्रा रणावत, जिसके नाम के अलावा कुछ वीर नहीं है। कॉकरोच से लेकर कॉलेज सीनियर तक सबसे डरता है, पर आज लगता है बेचारे की किस्मत में भी वीर नहीं। अलीशा से टक्कर जो हो गई, आगे देखते हैं क्या होता है। 1000 रुपीज। हाँ, इतनी जल्दी क्या है बेबी, ये तो चैलेंज का पार्ट वन। एक उठाओ, देखना मत। अलीशा राय, तुम में कुछ तो बात है, एंड आई थिंक तुम इस चैलेंज के लेवल 2 के लिए एकदम रेडी। और ये तुम्हें कार्ड से पता चला? ट्रेड सीक्रेट बेबी, ट्रेड सीक्रेट। हाँ, अगर तुम ये चैलेंज हारने से डर रही हो तो ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज और मुश्किल होने वाला है। अलीशा राय हो, इन चैलेंजेस हारना नॉट माय स्टाइल। अगर तुम ये चैलेंज जीत गई तो 5000 रुपए, वरना कुछ नहीं। No chance. लेकिन इस चैलेंज में छोटा सा ट्विस्ट, ये टास्क तुम्हें एक लड़के से करवाना पड़ेगा, और ये टास्क पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे। अलीशा राय, Whatever. बता टास्क क्या है। Hey, toilet boy.
वीर। हाँ? मेरा नाम मतलब टॉयलेट बॉय तो नहीं हो सकता ना, इट्स वीरभद्र रणावत। वीरभद्र रणावत, क्या वजनदार नाम है। और उस दिन के टॉयलेट सीन के लिए सॉरी। वो दिन याद मत दिला यार। और वैसे तू जेंट्स लू में कर क्या रही थी? बहुत लंबी कहानी है दोस्त। वैसे अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक ही झटके में 2500 कमाना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, ये पैसे वाली स्कीम्स ना सब बेकार होती है। मैं नहीं पढ़ता इन चक्रों में, और मैं कहूंगा तू भी मत पढ़ इन चक्रों में। अरे कोई स्कीम नहीं है, बस एक छोटा सा चैलेंज करना है। चैलेंज? हाँ, अब चैलेंज तो चैलेंज है। मैं तो एक झटके में कर लेती, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो किसी लड़के से कराना है, और अभी तो हम फ्रेंड्स भी है। फ्रेंड्स? हाँ है। और तुम्हारा नाम भी तो वीर है। हाँ वो भी है। So, are we on? Okay then. So, तुम्हें करना बस इतना है कि किसी भी रैंडम लड़के को जाके अप्रोच कर लो। लड़की को अप्रोच करना है? हाँ, I mean, ऐसे कुछ नहीं, it's just like hi, hello, what's up? Oh, like hey, hi. हाँ, okay. And then उसे उसका हैंडकरचीफ मांग लो। रुमाल? ओके। और फिर उसे लेके अपनी जोर से नाक ब्लो करके उसे रनआउट कर दो। फिर उसमें जोर से नाक ब्लो करनी है उसमें? तुम्हारी नाक ही तो ब्लो करनी है। Now don't tell me तुम डर गए होगे। And I don't make friends with डरपोक्स। डरपोक? नहीं 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 नहीं, डरपोक नहीं हूँ मैं। Oh God, करूंगा कैसे मैं ये? नहीं किया तो डरपोक बोलेगी। Excuse me. मुझे वो आपका वो मिल सकता है? क्या क्या मिल सकता है? I mean के तुम्हें तो सैंडल मिलेगा चर्क। अरे अरे बट मेरा वो मत। Excuse me. हाँ, मुझे आपका मुझे वो ये रुमाल मिल सकता है आपका प्लीज? रुमाल? Now what? देखो देखो बेबी, इसने मेरा रुमाल मांगा। नहीं नहीं, मैजिक दिखाने वाला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यूट है तो इसके चक्कर में डेयर उठा लिया, पिट जाता अभी तो मैं। आज तुम्हारी वजह से लाइफ में पहली बार, लाइक सीरियसली, लाइफ में पहली बार मैं अनीशा राय चैलेंज हार गई। डरपोक कुस्की गई का नाम तो बड़ा तुम्हारा वीरभद्र रणावत है, डरपोक कुस्की नाम होना चाहिए था तुम्हारा। एक्चुअली यू नो व्हाट, I really want to congratulate your parents. डरपोक कुस्की पैदा किया उन्होंने। Loser! इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी यार इसको? एक डेयर ही था ना ये। गुस्सा। तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे गुस्सा। काश तुझे एक मौका मिल जाता उससे बदला लेने का। काश तुझे उसका फोन नंबर कहीं से मिल जाता। तेरे पास है उसका नंबर? है तो नहीं, लेकिन हाँ, देखना मत, सीधा मुझे दे दे, नंबर निकल जाएगा 1000। हैं? मानी ब्रो मानी, फ्री में तो तुझे खाली अलीशा की गालियां ही पड़ सकती है ना। अपने आप को बहुत डेयरिंग बात समझती है ना वो। डरपोक फुसकी, इट्स नाउ और नेवर। 1000 or never. अभी 500 रख, बाकी काम होने के बाद। Smart boy.
चला जा। हेलो वीर। ओ फुस्कू रणावत, तो आप क्या सॉरी बोलने के लिए कॉल किया है? नहीं वो बड़ा शौक है ना तुझे डेयर डेयर खेलने का। अलीशा राय, अब तू मेरे साथ खेल। फुस्कू, तू मुझे चैलेंज देगा? क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? देख अगर तुझे डर लग रहा है तो तू बोल दे, मैं चैलेंज कैंसिल कर दूंगा। इन योर ड्रीम्स डूड, तेरी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि तुझे कोई आईडिया भी नहीं है। चल बता करना क्या है। कल ना ठीक 9:23 पर तेरे पास एक फोन आएगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अबे फुस्की, ऐसे तो आजकल कोई भी फोन की रिंगटोन नहीं बचती। अरे यार, मतलब जो भी तेरी रिंगटोन है, तू बस मेरे डेयर का वेट कर। शो मान, इंतजार करूंगी मैं तेरे कॉल का। बाय फुस्कू। यार ये तो डरती नहीं है किसी से, इसको हम डेयर क्या देंगे? 500 यार। अरे डॉलर यार, इससे होगा क्या? हो जाएगा। मिस यूनिवर्सिटी 2013 हैविंग अ बैड हेडेक सो कांट कम टू कॉलेज। ये तो मैं भी पढ़ रहा हूं यार, पर इससे हमें क्या फायदा होगा? जो लड़की एक बैड हेडेक की वजह से कॉलेज नहीं आ सकती, पूरे कपड़े में उसका क्या हाल होगा? मतलब बड़ा आया मुझे चैलेंज देने वाला, मैं भी देखती हूँ। फुस्की। ओह मिस्टर फुस्की, मुझे लगा तुम चैलेंज देने से पहले ही डर गए। अरे वाह यार, मैंने तो किसी और नंबर से फोन किया, फिर भी तू समझ गई। कद्दू खराब, बता चैलेंज क्या है? चैलेंज नहीं है, डेयर है डेयर। आई डेयर यू, तू अपने पापा का ना वो स्ट्राइप्स वाला पजामा पहनकर कॉलेज आ। ओए फुस्की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे यार मुझे लग रहा है तू ना डर रही है। अब बोल कौन है फुस्की, मैं या तू? मिस्टर फुस्की रनावत, कहा था ना हारना अलीशा का स्टाइल नहीं है। सो नाउ इट्स योर टर्न। आज शाम ठीक 6:26 पर वेट फॉर माई कॉल। यार मुझे नहीं देखनी वो हॉरर फिल्म, अब बारी बारी मुझे फोन मत कर। अच्छा सुनो, हमारे कॉलेज के जो पीछे वाला ग्रेवयार्ड है, उसकी लेफ्ट वाली साइड एक सुनसान सी गली है। उस गली में 3 लाल कपड़े छुपाए हुए हैं। तुम्हें बस वो 3 लाल कपड़े लेकर आने हैं। और ये काम तुम्हें आज रात ठीक 2:22 पर करना है। वहां किसी पागल प्रेमी की शॉक लगने की वजह से मौत हो गई और उसकी आत्मा भी भटकती है। That's all crap यार। रात में? यार वो भी अकेले, ये तो गलत है ना यार। ओके, तो हार मान लो, बोल दो कि तुम फुस्की हो, then game over। नहीं नहीं ऐसे कैसे यार, मतलब हार मानना तो मेरा भी स्टाइल नहीं है। Bye. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसी लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान। घटने आ गई माँ।
करूंगा। क्यूट टाइप वाले फुस्को। यार तू पागल है क्या? और तू यहाँ कर क्या रही है अंधेरे में? तेरे साथ कौन है? वो डॉलर साथ में था पर वो निकल गया। लो जी। वैसे मानना पड़ेगा तीनों के तीनों कपड़े उठा ले हैं। तू इन्हें छोड़ यार, और इस डॉलर का क्या करूं मैं? मतलब तुझे अंधेरे में अकेले छोड़ के चल दिए यहाँ से। हद है यार। क्या कहा ना, क्यूट टाइप के फुस्को। डेज और चैलेंजेस का सिलसिला धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है, जो इन दोनों को एक दूसरे के वो पहलू बता रहा है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया। जैसे बिंदास अलीशा सेंसिटिव भी हो सकती है और डरपोक वीर क्यूट भी हो सकता है, लेकिन क्या एक दूसरे के करीब आने के लिए यह एडिक्शन काफी है? Who knows? This is really creepy, man. Oh, मम्मी! What? कुछ नहीं। तो क्या तुम्हारा फेस देखने बुलाया मुझे यहाँ पे? डेयर दो जल्दी से। अच्छा, तो तुझे अपने डेयर की इतनी जल्दी है ना? ठीक है, इधर देख जरा। क्या है? वो लड़का दिख रहा है तुझे? वो चिंतन चिटालिया, जो शनी को भी सनी बोलता है और सनी को भी सनी। अरे वाह यार, तुझे तो सब कुछ पता है उसके बारे में। ऑफ कोर्स, तेरे हर पोस्ट पे पिछले 6 महीने से वो एक ही तो कमेंट कर रहा है, You are so hot. लगता है काफी रिसर्च हुई है मेरे बारे में। इरादा क्या है? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तू छोड़ना ये सब, मैं तुझे तेरा अगला डेयर देता हूँ। आई डेयर यू, तू उसको डेट के लिए पूछेगी। What? ये चिंतन जिसके बालों में से तेल टपकता है। आई मीन दिस इज सीरियसली नॉट फेयर। ये ब्रश भी करता होगा या नहीं पता नहीं। अब बोल, डर लग रहा है क्या? अब बता कौन है फुस्कू? हाँ बोल बोल, लूजर। इन योर ड्रीम्स। हाय चिंतन। हाय अमीषा, तुम? मुंह बंद करके बात कर चिंतन, स्कूल में मैनर्स नहीं सिखाए तुझे? सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। अलीसा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मुझसे। ये एक बात बोलूं, आज भी तुम हॉट लग रही हो। हॉट चिंतन, इट्स हॉट। वो तो मैं बोल रहा हूँ, हॉट। सुन, डेट पे चलेगा मेरे साथ? डेट तुम्हारे साथ? जय माता रानी, सुन ली, जय माता दी। अलीसा, डेट पे बोल के ऐसे जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं होती। अलीसा, लीव माय हैंड, डैमन। हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही और जा भी रही हो और डेट पे भी बोल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है अलीसा।
एक काम करते हैं, तुम और मैं कॉफी शॉप पे चलते हैं, वहाँ हॉट हॉट कॉफी पियेंगे। और सुनो, ऐसे हाथ डाल के चलना, कॉलेज में सब देखेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं, वहाँ तुम अपने हाथों से गरम गरम हॉट हॉट कॉफी बनाना और मैं बैठ के पीऊंगा, तुम अपने हाथों से पिलाना मुझे। मैं कॉफी पिलाऊंगी तुझे। मैं कॉफी पिलाऊंगी तुझे, सारे उसी कॉफी में डुबा के मार डालूंगी तुझे। आई लव कर मेरी एक भी पिघलाई की ना शैम्पू साले तेल क्या करूं, पागल हूं मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या यार, तू चीज क्या है, तेरे साथ तो मतलब डेट पे जाने के लिए भी बंदे को गट चाहिए। अच्छा क्यों, तुम ट्राई मारने वाले थे? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही वो। इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार मैं डेट्स पे, आई मीन एटलीस्ट रोशिश को तो यही लगता है। रोशिश? मेरा बॉयफ्रेंड वो लंदन में रहता है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग यू नो, बट इट्स नाइस। लेकिन अगर उसको ये पता चला ना कि मैंने इसे, इस चंपू को डेट के लिए पूछा, वो तो मुझे मार ही डालेगा। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं? नहीं, वो मुझे कुछ काम है, बाय। अरे लेकिन अगला डेयर, ओके रन अवे, लेकिन ऐसे ही नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, अगला डेयर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हैं? ये क्या हो गया, अलीशा का बॉयफ्रेंड? अब तक उसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है। पर इंसान है, अब तक दोनों को चांस कहां मिला है अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने का? लेकिन बॉस, गड़बड़ तो है, अभी अभी दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करने लगे हैं, और जैसे लगा कि एक कदम आगे जाएगा, वैसे दो कदम पीछे आ गए। अब इस लव स्टोरी पर पार लगाने के लिए डेफिनेटली डेयरिंग की जरूरत है। ओए बाइकर लड़की देखी नहीं कभी? नहीं नहीं यार, क्यूट लग रही है तू। मस्का मारना बंद करो और फटाफट बाइक शुरू करो। क्या बाइक यार, बाइक नहीं यार। क्या क्या, अगला डेयर। एक काम दिया था कि इंडिया से कुछ टी बैग्स भेजो मेरे लिए, मेरे दोस्तों को यहाँ चाहिए था, उनके लिए मंगवाया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे कुछ काम करने के लिए। I get it, Rosh, पर मैं बिजी भी तो हो सकती हूँ ना? Of course, क्यों बिजी नहीं हो सकते, तुम्हारा बिजी होने का मतलब तो एक ही है, दूसरे लड़कों के साथ डेयर डेयर खेलना, बस वही करते रहो तुम। यार तुम हमेशा इतने ओवर पॉसेसिव क्यों होते हो? अलीशा, एक काम दिया था तुम्हें, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। ओके आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मेरी गलती क्या है? हेलो, हे, तू सॉरी बोल रही थी? आई मीन ऑल ओके ना? या नथिंग मेजर, इट्स जस्ट दैट उसने कुछ टी बैग्स मंगवाई थी इंडिया से और वो टाइम पे नहीं पहुंची तो। टी बैग्स? सीरियसली? नोइंग यू, तू तो सर्वर तोड़ देती यार उसका। लेकिन आज अलीशा सॉरी बोल रही थी यार, इट्स ओके, लाइक हर एक रिलेशनशिप में ये सब तो होता ही रहता है ना कभी ना कभी। आई नो कि वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है एंड समटाइम्स अ लिटिल ओवर पॉसेसिव, बट हर एक लड़का आई गेस ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं तो ऐसा नहीं हूं यार, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लड़का ही नहीं हूं? ओ गॉड, मम्मी। सीरियसली तुम ना पागल हो। एक तू ऐसे ही अच्छी लगती है, ऐसे ही हंसती रह, अगर इन छोटी छोटी बातों पे ना अपसेट मत हुआ कर। अच्छा फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट? वो फ्लर्ट क्यों यार, वो तो मैं तुम सबसे ज्यादा क्यूट लगते हो जब तुम ऑकवर्ड फील करते हो, और उससे भी ज्यादा क्यूट जब तुम डरे हुए होते हो। और उस क्यूटी बाय लुक के लिए तो आई डेयर यू। क्या
मैं बाइक पे नहीं यार, मैं बाइक बाइक नहीं चलाने। अरे नहीं यार, बाइक मुझे नहीं चलानी यार। यार मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला। चलो यार फुस्को, तुमने लाइफ में कभी बाइक नहीं चलाई ना? चलाई है ना, और तू फुस्को मत बोल मेरे को। लुका छिपी नैन मटका इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ लुका छिपी नैन मटका इश्क एडिक्शन सट्टा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आदरा आदरा। ओ हैप्पी आवर मैं चांस लगा इनफैचुएशन रोमांस लगा वाइन का टांका देसी ठर्रेस। नहीं नहीं नहीं, इससे फास्ट नहीं यार, सेफ नहीं है। पिस्टल का दिल लोकर छर्रे पे, ओ गाउंडी छोरो दिल की ही चिक पे, ओ चांस मार थिन भी फिक पे। ओ गॉड, शक नहीं, पे नहीं। शक है चांस उतर। गॉड, ओ माय गॉड, तुम्हारी शक्ल उस भूत वाले इंसिडेंट से भी ज्यादा डरे हुए हो तुम। तुम्हारे जितना क्यूट फुस्को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फुस्को I just wish this dare never ends. कितना मजा आता है तुम्हारे साथ। ओह, मेरी आंखों में खो गए। कॉफी? मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? हाँ, अगर तेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो। हाँ? अरे कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। ओके। तू मतलब बचपन से ही ऐसी है या बड़े होते होते ऐसी हो गई? मतलब? मतलब एकदम बिंदास टाइप, बोल्ड, जो मन में आया बोल दिया बिना सोचे समझे। ओह दैट, वो क्या है ना, मैं अपने घर की इकलौती लड़की एक्सेट्रा एक्सेट्रा होने के नाते यू नो लाइक मैं अपने खानदान की परंपरा आगे लेके जा रही हूँ यार। यार मुझे लग रहा है एक बार तो मिलना पड़ेगा मुझे तेरी फैमिली से। एक बार क्यों, बार बार मिल लेना, उसमें क्या है? एक बार तो झेल लूं पहले। थैंक्स यार। You're welcome. मतलब तू पूछेगी भी नहीं किस लिए? मेहरबानियां तो मैं करती रहती हूँ। यार एक्चुअली वो बचपन के बाइक वाले इंसिडेंट के बाद ना, शायद मैं बाइक से सच में डर रहा था। शायद? हाँ मतलब शायद यार, थोड़ा बहुत। वैसे एक बात बता, तुम हर चीज से इतना डरते क्यों हो? तुम अंधेरे से डरते हो, तुम इंसेक्ट से डरते हो, तुम हाइट से डरते हो, तुम बाइक से डरते हो। हाँ, मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर तू भी तो डरती है। मैं किसी से नहीं डरती, ओके? अच्छा, तू अपने बॉयफ्रेंड से नहीं डरती? What nonsense? नहीं? ओके यार, काम डाउन काम डाउन। ये ले, तू चॉकलेट खा। मुझे नहीं खाना। सॉरी यार, एक बाइट और। मुझे अभी भी नहीं खाना है। अब बस एक लास्ट बाइट। मुझे नहीं खाना यार। तो मत खा।
यार कब से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें फोन नहीं उठा सकती? रोश वो I'm so sorry, मैं वो कॉफी पी रही थी तो कॉफी पीते पीते बात नहीं हो सकता, सीधे सीधे बोल दो ना कोई और मिल गया तुम्हें, इसलिए मुझे अवॉइड कर रही हो। रोश आई मीन प्लीज बेबी, इट्स नथिंग लाइक दैट, आई मीन यू नो हाउ मच आई। हेलो ये क्या है, तू यहाँ गॉगल्स पहन के क्यों बैठी है, पूरी कार्टून लग रही है तू। यार तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, छोटे कपड़े पहनो तो प्रॉब्लम, किसी लड़के के साथ पिक्चर पोस्ट करो तो प्रॉब्लम, अभी मैंने शेड्स पहने तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन तुम लड़के लड़कियों को चेंज क्यों करना चाहते हो? अरे आई एम सॉरी यार, मैंने तो कैजुअली कमेंट किया था, मुझे पता नहीं था तू इतना सीरियसली ले लेगी। सॉरी यार, तेरा फिर से रोशेश से झगड़ा हुआ है ना? या I mean वो चिल्लाता रहता है पर he has a point too, maybe मुझे ही इम्प्रूव करने की जरूरत है। इम्प्रूव तुझे? तू बोल क्या रही है यार? I don't know, मतलब अभी तक तू कह रही थी हम लड़के लड़कियों को चेंज करते हैं और अब तू खुद ही चेंज होना चाहती है, किस खुशी में मैडम? I don't want to talk about this, okay? और मैं तुमसे पूछ क्यों रही हूँ? मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है, मलीशा राय, और वैसे भी तुम यहाँ अपने डेयर के लिए आए थे राइट? ओके सो लेट्स कीप दिस गोइंग, आई डेयर यू, आई डेयर यू दिस टाइम, डबल डेयर, तू अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दे। व्हाट? What nonsense? ये क्या मजाक है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, वो तेरे लायक ही नहीं है। अच्छा अब ये तुम मुझे बताओगे? ठीक है चलो, कर दिया डम, फिर क्या? Feel lonely all over again? पूरा टीनेज मेरा इसी में चला गया, because I didn't have a boyfriend, चलनी थी मैं, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं उसे डम कर दूं? नहीं यार, मैं वो बस ये कह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहते हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी लाइन क्लियर करना चाहते हो? अरे यार तू गलत समझ रही है। राइट, अब ये भी मैं गलत समझ रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम फुस्कू हो। एटलीस्ट रोशेश में उतने गट्स तो है कि वो अपनी दिल की बात बोल देता है, फिर चाहे वो क्या हो गया यार ये, वो मेरे इतने करीब थी। नहीं नहीं इतने पास, पर तू तो जानता है ना यार उसे, कभी भी धड़ा धड़ यूं बोलती है कि बस कि तू डर जाता है। हाँ यार, अब एक बात बता मुझे, तू लड़की को बहुत पसंद करता है ना? नहीं नहीं भाई नहीं, देख दिल पे हाथ रख के बोल, पसंद है कि नहीं? उधर हाँ यार करता हूँ यार, मैं उसको पसंद करता हूँ यार। तो तुझे भी अपना जुगाड़ खुद करना पड़ेगा यार, दुनिया गई बाढ़ में, तुझे जो भी करना है ना कर, मगर आज रात को।
नहीं, भूत। मैं तो भूल गया यार, भूत से तो मुझे डर लगता है। अरे फुसकी हूँ मैं, फुसकी। मैं भूत से डरता हूँ, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे प्रिंसिपल से डर लगता है, मुझे हाइट से भी डर लगता है। परसी, आई एम वर्किंग ऑन इट ना, तेरे लिए मैं यहाँ तक चढ़ाया। चुप, आज तू नहीं बोलेगी, नहीं तो मैं डर जाऊंगा यार। इतनी पीने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत आई है। अलीशा राय, तू सही है यार, मैं फुसकी नंबर वन हूँ। हूँ मैं फुसकी, पर ये फुसकी आज तुझे तेरी लाइफ का सबसे बड़ा डेयर देगा। क्या? चुप, बोला ना मैं डर जाऊंगा यार। अलीशा राय, I dare you, be my girlfriend. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब डेयर देने की? फुसकी, कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, I dare you. मुझे झेल के दिखाओ। मतलब? I mean yes, stupid. Give and take है इश्क का, विश का चांस का रोल है वड्डा। इसके अगले वाला डेयर भी मैं ही दूँ या तुम भी कुछ करोगे? Actually तू दे सकती है, but it's fine. आज मेरी टर्न। लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव बाय चांस, लव लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस। चलो फाइनली वीर ने अपनी वीरता दिखा ही दी, लेकिन बेटा अभी तो शुरुआत है, असली डेयरिंग की जरूरत तो गर्लफ्रेंड मिलने के बाद पड़ते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम एन एक्सपर्ट।
Thank you.